नॉर्थ कोरिया की परमाणु मिसाइल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में तबाही मचा रही है। मिसाइल हमले के बाद अमेरिका का लिंकन मेमोरियल जल रहा है। अमेरिकी झंडा जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े मुल्क नतमस्तक हो जाते हैं, वो लहराता झंडा भी कोरिया के हमले के बाद झुकता जा रहा है। इस वीडियो को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि कोरिया ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पर परमाणु हमला कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया का प्रोपेगेंडा वीडियो है जो अमेरिका को डराने के लिए बनाया गया है। 4 मिनट 21 सेकंड का ये वीडियो नॉर्थ कोरिया की वेबसाइट DPRK ने पोस्ट किया है। इस वीडियो का शीर्षक है लास्ट चांस, यानी आखिरी मौका। वीडियो में लिंकन मेमोरियल के सामने नॉर्थ कोरिया की परमाणु मिसाइलें गिरती दिखाई गई हैं। लिंकन मेमोरियल को तबाह होते हुए दिखाया गया है। उसके बाद सबसे आखिर में लिखी है अमेरिका के लिए किम की धमकी। कोरियन में लिखे इस वाक्य का हिंदी में अर्थ है कि अगर अमेरिका एक इंच भी हमारी तरफ बढ़ा तो हम तुरंत परमाणु हमला कर देंगे। तो सच तो यह है कि नॉर्थ कोरिया के पास क्षमता है, और क्योंकि ये देश मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वहाँ एक वन मैन रूल है, तो वन मैन रूल में जो भी वो डिसाइड करेगा उसको अपोज करने वाला तो है नहीं, और पागलपन की कोई रोक ठोक तो है नहीं, तो कोई सीमा नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है उसके लिए। किम के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसके पास क्षमता है और अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो ये जो कॉकटेल है, ये बहुत खतरनाक कॉकटेल है। नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास की वजह से और ज्यादा गुस्से में है। इसी साल जनवरी में नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नॉर्थ कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इससे बेफिक्र नॉर्थ कोरिया कई शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट कर चुका है। डिप्लोमेसी के तरह तरह के टैक्टिक्स होते हैं। एक होता है कि आप बातचीत कीजिए, दूसरा होता है कोर्शन, तीसरा होता है आर्थिक रूप से आर्म ट्विस्टिंग कीजिए, चौथा उसके जो मित्र देश हैं उसके साथ उसको प्रेशराइज कराइए। तो अलग अलग डिप्लोमेसी में एक रास्ता, सुगम रास्ता नहीं है, आपको चारों मल्टी डायमेंशनल अटैक करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना पड़ेगा, और तभी आप अपने विद्रोही देश है उसको आप कंटेन करने में सफल हो सकते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका को डराने के लिए 25 मार्च को नॉर्थ कोरिया ने मिलिट्री ड्रिल की और कई मिसाइलें दागी। नॉर्थ कोरिया की नई धमकी के बाद अमेरिका पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। 4 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो के शुरू में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास दिखाया गया है। उसके बाद उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत और फिर अमेरिका को धमकी दी गई है। साल 2013 में भी इसी तरह का वीडियो जारी कर किया गया था, जिसमें अमेरिका को धमकाया गया था। 2016 में अब तक कोरिया कई बार अमेरिका को धमकी दे चुका है। अमेरिका को किम धमकाता है या चिढ़ाता है? नॉर्थ कोरिया के 33 साल के तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु बम को मजाक बना दिया है। जिस तरह बात बात पर किम अमेरिका और साउथ कोरिया को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, उससे लगता है जैसे किम का परमाणु बम क्रिकेट बॉल हो कि जब चाहा तब हाथ से फेंक दिया। इस साल जनवरी के बाद से लेकर अब तक नॉर्थ कोरिया अमेरिका को कई परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। मार्च के पहले हफ्ते में शुरू साउथ कोरिया और अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद किम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किम ने टीवी पर ऐलान करा दिया कि अमेरिका को उत्तर कोरिया कहीं भी कभी भी हराने की कुवत रखता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना के करीब 3.25 लाख सैनिक मार्च से ही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। उत्तर कोरिया का मानना है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज की आड़ में उसकी सीमा में घुसपैठ की तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है।
दोनों पक्षों के बीच टेंशन की सबसे बड़ी वजह इस वक्त यही है। इसे छोसनबंदो छंजंगी थोजिंदाम्यन छगीमन नुगा छंजे थागेतन ख्वानगे उपसी सुमानन छल्याक छसंदल्गुआ छंजंग छंगबिदरे करोदा नोखो पुलचिबल इरखिन मीगुगी छया हंदा। कोरियन पेनिनजुला वो इलाका है जहां कौन किससे गले मिल रहा है और कौन किसकी बाह मरोड़ रहा है साफ साफ कुछ नजर नहीं आता। लेकिन दुनिया के इस इलाके में हर खिलाड़ी डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो उत्तर कोरिया हो, दक्षिण कोरिया हो, चीन हो या अमेरिका। We continue to urge the North Korean regime to refrain from provocative actions and statements that tend to aggravate tensions. Instead, we believe that they should focus on fulfilling their international obligations and commitments, particularly when it relates to their nuclear program. And that is not just the view of the United States, that's the view of the international community. And that will continue to be our posture moving forward, even as we implement a set of sanctions that are tougher than have ever been implemented. अमेरिका की कोशिश नॉर्थ कोरिया पर दबाव बढ़ाने की है तो नॉर्थ कोरिया का तेवर और आक्रामक ही होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका को चिढ़ाने के लिए धमकाता है।